सर्व सुविधा, अच्छे संस्कार और बेहतर रिजल्ट के साथ आगे बढ़ता हुआ बदरवास का राइजिंग सोल्स इंटरनेशनल स्कूल। बदरवास दिगोद हाईवे पर स्थित राइजिंग सोल्स इंटरनेशनल स्कूल श्रम सुविधा एवं बेहतर रिजल्ट के साथ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ। इसमें बच्चों को शिक्षा के साथ साथ सभी प्रकार के गेम, योगा, मेडिटेशन और कंप्यूटर क्लासेस का ज्ञान दिया जाता है। शिक्षा पर ही निर्भर नहीं, ये स्कूल बच्चों को एक अच्छे जीवन जीने के तरीके भी सिखाता है। बच्चों को लाने ले जाने की उत्तम व्यवस्था, बस द्वारा पूरी जिम्मेदारी के साथ स्कूल की फुल गारंटी रहती है। स्कूल के ओनर सुमित यादव ने बताया कि बच्चों की जिम्मेदारी हमारा स्कूल पूरी तरीके से रखता है। देश के कई राज्यों में आए हैं। इस स्कूल में शिक्षक बच्चों से और प्रिंसिपल से बात करने से लगा किस स्कूल में वास्तव में बच्चों का भविष्य उज्ज्वल दिख रहा है। स्कूल की सभी क्लासेस CCTV कैमरे की निगरानी में रहती हैं। मेरा नाम शिवानी यादव है। शिवानी कहाँ से आते हैं? हम बदरवास से आते हैं। बदरवास से गाड़ी से आते हैं या फिर आप साइकिल से आते हैं? नहीं, बस से आते हैं। बस से आते हैं आप, स्कूल की बस से? हाँ, स्कूल बस लेने आते हैं। स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ क्या सिखाया जाता है? सिलेबस के बाहर बहुत कुछ सिखाया जाता है, जैसे सिलेबस में नहीं होता। चैप्टर के अलावा बहुत कुछ बेसिक सिखाया जाता है। जैसे चैप्टर के आगे जो 3-4 पेज होते हैं ना, उनके बारे में सिखाया जाता है। बहुत बेसिक सिखाया जाता है सिलेबस से बाहर। इससे पहले कहाँ पढ़ती थी? इसी में पढ़ी हूँ मैं, 4 साल से पढ़ रही हूँ। 4 साल से इसी में पढ़ रही हूँ। पिछले 4 साल से आप यहीं पढ़ रही हैं? आपने नर्सरी, LKG, UKG? वो संस्कार में, संस्कार ग्लोबल स्कूल। तो दोनों स्कूल में बेस्ट स्कूल कौन सा रहा? राइजिंग सोल्स इंटरनेशनल स्कूल। दोनों स्कूलों में बेस्ट स्कूल? हाँ। राइजिंग, आगे क्या बनना चाहते हैं? माय गोल इज अ डॉक्टर। डॉक्टर? MBBS? यस। MBBS नीट की। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? गुंजन जाट। कौन सी क्लास में हो? 8th class। क्या आपके स्कूल का क्या नाम है? राइजिंग सोल्स इंटरनेशनल स्कूल। कैसी पढ़ाई होती है यहाँ पे? अच्छी होती है। बेटा कहाँ से आते हैं? बदरवास से। यस सर। सर बहुत कुछ सिखाया जाता है, जैसे कि सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर्स और बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं। बहुत अच्छा अच्छा सिखाते हैं, मतलब हाँ, संस्कार, मैनर्स, डिसिप्लिन। यस। आगे क्या बनना चाहते हैं? मैं IAS बनना चाहती हूँ। IAS? यस सर। यस सर। खेल कूद ज़्यादा करती होंगी आप? नहीं। अच्छा, पढ़ाई करते हैं? हाँ करते हैं। फोकस क्या, मकसद क्या है? सर IAS। यस। मैं रामजीलाल बाबा, फास्ट समाचार। मैं आपको एक जगह ले चल रहा हूँ, जहाँ अपन को राइजिंग सोल इंटरनेशनल स्कूल, बच्चों को काफ़ी अच्छी शिक्षा प्रदान होती है। हर प्रकार की सुविधा राइजिंग सोल स्कूल में मिलेगी। आपको मैं उसका एरिया दिखा रहा हूँ। ये बच्चों को खेलने कूदने की जगह है, कई व्यवस्थाएं अच्छी हैं, ये उनको खेलने कूदने की जगह। और ये आपको राइजिंग सोल स्कूल का वाहन पार्किंग एरिया है इधर। यहाँ पे उनकी लाने ले जाने की सुविधा, बच्चों को स्कूल जिम्मेदारी के साथ लाया जाता है और छोड़ा जाता है, ये वाहन है। 4-5 वाहन है, बच्चों के लिए सुविधा अच्छी उपलब्ध है। स्कूल में लाने ले जाने की व्यवस्था ये देखिए आप, काफ़ी पार्किंग एरिया है, बच्चों को खेलने कूदने की काफ़ी जगह है। राजंग सोल स्कूल का लोकार्पण है। इसके मुख्य अतिथि श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, सांसद गुना शिवपुरी के कर कमलों द्वारा हुआ है। दिनांक 25/2/2019 को संपन्न हुआ है। अब मैं आपको स्कूल की मुख्य द्वार पर लेकर आ रहा हूँ और मैं स्कूल का ये ऑफिस है जो मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें
मैं आपको राजिंग सोल स्कूल के संचालक जी से बात करवाता हूँ और स्कूल में क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या क्या खूबियां हैं, ये आपको बताएंगे क्या क्या सुविधाएं हैं। सबसे पहले तो आप मेरे पत्रकार साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। स्कूल की सुविधाओं की अगर बात करें तो शायद आप गेट से आते ही यहाँ एक अलग माहौल देखेंगे। स्कूल में सुविधाएं आपको देखने से प्रतीत हो रही होंगी, लेकिन फिर भी फौरी तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ सारा स्कूल, राइजिंग सोल स्कूल, क्लास नर्सरी से लेकर, बल्कि प्ले ग्रुप से लेकर टेंथ तक जाता है। इसके अलावा यहाँ क्लासेस जो हैं वो सारी लगभग बड़े बड़े रूम हैं, कैमरे से पूरा स्कूल लैस है, और बाथरूम जो हैं हमारे यहाँ गर्ल्स के अलग हैं, बॉयज़ के अलग हैं। कंप्यूटर क्लासेस हैं, कंप्यूटर क्लास अलग से है जिसमें थोड़े से बड़े बच्चों को हम लोग क्लास में उठा के बिठाते हैं और उसको आधे घंटे कंप्यूटर उनको बच्चों को सिखलाते हैं। एक और हमारी ये स्मार्ट क्लास है, यहाँ छोटे बच्चे जब नहीं सीख पाते हैं तो स्मार्ट क्लास में हम उनको प्रोजेक्टर के माध्यम से दिखाते हैं और समझाते हैं और उनके दिमाग में वह बात चली जाती है बड़े आसानी से। और हमारा पूरा स्टाफ, जैसा कि लगभग आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं? हमारे स्कूल में अभी आज लगभग 300 बच्चे आए हैं और एडमिशन हमारे पास लगभग 300-350 से ऊपर अभी हैं और ये संख्या अभी रुकेगी नहीं, लगभग 500 हमको टच करना है। पिछली साल का रिजल्ट कैसा रहा आपका? रिजल्ट पिछली बार का हमारा बोर्ड का रिजल्ट बहुत शानदार रहा है और कई बच्चे टॉपर रहे हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ से एक चितारा, पास में चितारा गांव है, वहाँ का एक बच्चा नवोदय में सिलेक्ट हुआ है, नवोदय विद्यालय की ओर गया है यहाँ से। तो बड़ी खुशी की बात है कि हमारे यहाँ से बच्चे पढ़कर अगर प्रतियोगिता परीक्षाओं में निकलते हैं और आगे चलकर अपनी तरक्की करते हैं, कुछ बनते हैं, तो स्कूल का नाम रोशन होता है। और स्कूल में वैसी सुविधाएं कि स्टाफ बाहर का है या लोकल का है आपके यहाँ? स्टाफ हमारा सब बाहर का है। प्रिंसिपल सर हैं वो केरला से हैं, केरला के अलावा उनको इंदौर का 20 साल का स्कूलों का एक्सपीरियंस है। स्टाफ हमारा लगभग गुना शिवपुरी और कोलारस से है सारा स्टाफ, और अच्छी संख्या है, लगभग 18 के आसपास हमारा स्टाफ है, टीचर 18 के समथिंग है अभी, 4-6 और वेटिंग में है, बहुत जल्द 22-24 हो जाएगा। लाने ले जाने के लिए हम पे ट्रेवलिंग के लिए अच्छी बड़ी बसेज हैं और बड़ी छोटी करके मतलब सारी बसेज हैं सब प्रकार की, कुछ क्रूज़र गाड़ियां हैं। स्कूल का टाइमिंग क्या है? स्कूल का टाइमिंग हमारा 8 बजे यहाँ बच्चे आ जाते हैं और 8 बजे से 1 बजे करेक्ट हम छुट्टी करते हैं, बीच में आधे घंटे का लंच रखते हैं। पढ़ाई के अलावा बच्चों को और कौन कौन सी गतिविधि सिखाते हैं? हमारा लक्ष्य है कि शिक्षा के साथ साथ शारीरिक विकास और मानसिक विकास और बौद्धिक विकास उनका होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम अध्यात्म से जुड़े हुए ध्यान की प्रक्रियाएं और कई सारे जैसे योग क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे। एक खेल टीचर भी यहाँ आने वाले हैं, स्पोर्ट टीचर, उनके माध्यम से हम खेलों के माध्यम से बच्चों का शारीरिक विकास भी करवाएंगे। मैम क्या नाम है? सर मेरा नाम विनीता चक्रवर्ती है। मैम कहीं बाहर से आते हैं? यस सर, हम गुना से आते हैं। कंप्यूटर टीचर है? यस सर। मैम कितने बच्चों को कंप्यूटर सिखाते हैं? सर अभी तो हमारे पास ना 18 कंप्यूटर्स हैं, उसके अकॉर्डिंग हम मतलब बच्चों को जितने अवेलेबल हो सकते हैं उतने कंप्यूटर पर बिठा के उनको सिखाया जाता है। कौन क्लास में बच्चों सिखाते हैं? फर्स्ट टू 8th तक। फर्स्ट से 8th तक। आपको यहाँ कितने समय से बता? इसी साल आई हूँ सर, न्यू ईयर फर्स्ट टाइम। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है बीजू बी चाको, आई एम फ्रॉम केरला, आई हैव कम टू मध्य प्रदेश इन 2011, ओके, एंड आई हैव जॉइंड दिस राइजिंग सोल्स इंटरनेशनल स्कूल रिसेंटली आफ्टर 23 इयर्स ऑफ वर्क इन मध्य प्रदेश एंड इन आसाम। शुरुआत कहाँ से क्या हुई आपकी? शिक्षा विभाग की शुरुआत मेरा हुआ था एज ए कंप्यूटर टीचर इन 1999. The school name called Blue Pine English Higher Secondary School. It is in Assam, Tezpur. From there, I have worked as a computer teacher. Then they have promoted me as a TGT Social Science. So I have worked there around 11 years. Then I have come back to Madhya Pradesh
in 2011 as a vice principal in one of the international school in Gadarwara in Narsimpur district. देखो आजकल के बच्चे जो है सबसे पहले वो दूर हो रहे संस्कार से, तो हमें हमेशा फोकस करना चाहिए कि शिक्षा के साथ संस्कार, जो संस्कार जहाँ से हमने शुरू किया है उससे सारे बच्चे आजकल सुविधा ज़्यादा होने की वजह से दूर हो रहा है, स्पेशली द इन्फ्लुएंस ऑफ मोबाइल या इंटरनेट सोशल मीडिया, जिसका यूज़ सही कर तरीके से हमें करना चाहिए, बल्कि बच्चे इसको गलत फ़ायदे में लेके हमारा संस्कार से दूर हो रहा है। तो हमें शिक्षा के साथ अगर संस्कार नहीं दिया तो शिक्षा का कोई वैल्यू नहीं है। जो सबसे पहले होता है माता पिता गुरुदेव जो कहते हैं, सबसे पहले हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए हमारा पेरेंट्स की, जो नहीं हो रहा है, जो गुरु के रेस्पेक्ट होना चाहिए वो भी नहीं हो रहा है, मगर हम सबसे ज़्यादा भगवान के पीछे ही पड़े रहते हैं। सर आजकल के बच्चों को सिलेबस में आपके अंतर ऐसा कौन सा वो नहीं है, सिलेबस पार्ट या भाग बोल सकते हैं, पर जो बच्चों को पढ़ाना चाहिए वो सिलेबस में नहीं है? जो है टेक्नोलॉजी और न्यू एज रिक्वायरमेंट सिलेबस, जो उनको फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक बच्चे जो नर्सरी में एडमिशन लेते हैं वो सिर्फ नर्सरी के लिए नहीं है, हमारे पास आते हैं बारहवीं या ग्रेजुएशन के बाद जब वो बच्चे बाहर निकलते हैं तो उसको उस समय की क्या ज़रूरत है वो आज की हमारे सिलेबस में होना चाहिए, वो अभी हमें नहीं है, क्योंकि हम अभी भी पढ़ रहे हैं ताजमहल किसने बनाया, अफगानिस्तान का